हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और ये एक बार फिर से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उसका बहुत नुकसान हुआ है। उसी को भरपाई के लिए हमारे महाविद्यालय ने गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर श्री गंगानगर राजस्थान, तो ये सभी के लिए घर पे ही आप पढ़ सके, आपकी पढ़ाई का जो नुकसान ना हो, इसलिए YouTube क्लासें एक बार फिर से शुरू की गई है। कोरोना की पहली लहर में भी हमने आपके लिए YouTube पे क्लासें बनाई थी और एक बार फिर से आपके लिए YouTube पे क्लास से लेके हम हाजिर हुए हैं। तो संपूर्ण सिलेबस है वो YouTube पे आपको करवाया जाएगा। तो मैं भूगोल फर्स्ट ईयर की आज क्लास लेके आया हूँ। इसमें आज हम सबसे पहले भूगोल का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिवर्सिटी हमारे जैसे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, उसके द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार अध्यापन करवाया जाएगा। तो इसमें दो पेपर लगते हैं हमारे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर सेकंड में है संसाधन भूगोल। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो बीए फर्स्ट ईयर की जो क्लास है, क्लास ये जो सिलेबस है, बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, ये बहुत अधिक लेंथी है और यूं कहें कि भूगोल का आधार भी यही है। जो आपके फर्स्ट बुक है, जो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, ये संपूर्ण भूगोल का एक बेस है। इसलिए आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ये फर्स्ट ईयर की जो क्लास है, जो पाठ्यक्रम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले पाठ्यक्रम देखते हैं, यूनिट फर्स्ट का इकाई एक देखते हैं। इसमें है सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत। यानी ये जो यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट का जो ए पार्ट है, ये ब्रह्मांड से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है। सौर मंडल यानी हमारा सौर मंडल संपूर्ण आ गया, 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, यानी सभी का अध्ययन इसमें हम करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, उसमें जो निहारिका परिकल्पना दे रखा है, इसमें निहारिका परिकल्पना, तो निहारिका परिकल्पना ये लाप्लास महोदय की है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ज्वारीय परिकल्पना है जेम्स जिंस की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये सबसे आधुनिक या मॉडर्न थ्योरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये दी थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेटियर ने। उसके बाद ए के बाद आ पार्ट है, इसमें है पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक अवस्था, संरचना एवं कटिबंध। यानी जो पृथ्वी है हमारी, यानी पहले तो सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में अंतरिक्ष के बारे में, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और उसके बाद पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी अंदर से किस तरह की है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे तो छोटी क्लासों में यानी 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, सियार, सीमा और निफे, इन तीन भागों में बांटा है पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर, और उसके अलावा क्रस्ट, इसके अलावा यह क्रस्ट, उसके अलावा क्रस्ट,
मेंटल और कोर, इन तीन भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। उसके बाद है अल्फ्रेड वेगनार का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे कंपटीशन में भी इसमें बहुत से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब वेगनार महोदय ने महोदय के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक एक ही स्थलखंड था, जो आज जो पृथ्वी है जो सात महाद्वीपों में बटी हुई है, पहले ऐसा नहीं था, सातों महाद्वीप एक ही स्थलखंड थे, बाद में वो भूगर्भिक हलचल के कारण से वो अलग अलग हो गए, सात महाद्वीपों में बट गए। फिर है प्लेट विवर्तनी की, ये भी एक मॉडर्न थ्योरी है प्लेट विवर्तनी की, इसके बारे में पढ़ेंगे। सम स्थिति यानी पृथ्वी पर जो भूदृश्य हैं जैसे पर्वत पठार मैदान है, वो पृथ्वी पर किस तरह से टिके हुए हैं, किस तरह से वो इस पे अपना संतुलन है बनाए हुए हैं। फिर है इसमें यूनिट फर्स्ट में अंतिम है पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जोली कोबर और आर्थर होम्स, यानी पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ है इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें तीन विद्वानों के सिद्धांत पढ़ेंगे, जोली महोदय, कोबर का और आर्थर होम्स का। उसके बाद है सेकेंड यूनिट, इसमें हम सेकेंड यूनिट में सबसे पहले ए भाग में शेल यानी चट्टान, उसके प्रकार और विशेषताएं पढ़ेंगे। देख चट्टानें तीन प्रकार की होती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है अपक्षय और मृदा निर्माण, अपक्षय और मृदा निर्माण। उसके बाद है भू संचालन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन। ये जो पाठ है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पाठ है, पृथ्वी में किस तरह से हलचल होती है, कौन सा भाग ऊपर उठता है, कैसे भाग नीचे धस जाते हैं, वलन जो दरारें हैं, जो फोल्ड होता है किस तरह से होता है, कितने प्रकार के ये होते हैं। फिर आगे है भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी का विस्तृत अध्ययन हम इसमें करेंगे। थर्ड यूनिट है अपरदन चक्र, अपरदन चक्र से संबंधित है तीसरी यूनिट। अपरदन चक्र के कई प्रकार होते हैं, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी काष्ठ स्थलाकृतियां और तटीय स्थलाकृतियां, इनका हम इसमें पढ़ेंगे। अपरदन चक्र में देखो मुख्य दो ही विद्वानों के नाम आते हैं, डब्ल्यू एम डेविस और वाल्थर पेंक का, इनके जो सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद नदी कृत स्थलाकृतियां, नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर है काष्ठ स्थलाकृतियां, यानी जो चूने के जो क्षेत्र होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ होता है वो पढ़ेंगे। फिर है हिमानीकृत स्थलाकृतियां, यानी हिमानी के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियां, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है हिमानी वहीं पाई जाती है, तो ये हिमानी का मतलब बर्फ से है, बर्फ से बनने वाली स्थलाकृतियां। फिर पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनती है। फिर अंत में है तटीय स्थलाकृतियां, तटीय स्थलाकृतियां हैं ये समुद्री जो तटीय भाग होते हैं वहां पे इनका निर्माण होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चौथी यूनिट है फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम फिर वायुमंडल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले है वायुमंडल का संगठन और स्थिरीकरण, यानी जो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल है वो कैसे बना है, किन गैसों से मिलकर बना है और उसमें कौन कौन सी जो परतें हैं इसमें शामिल है वो पढ़ेंगे। फिर है सूर्याताप और ऊष्मा बदल, सूर्याताप यानी सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, और ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट का ये अर्थ हुआ कि जो पृथ्वी है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, लेकिन पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है ना अधिक ठंडी हो पाती है, यानी पृथ्वी का जो तापमान है
उसमें संतुलन बना देता है, ना तो पृथ्वी अधिक गर्म होती है ना अधिक ठंडी होती है। अगर पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाएगी तो मानव इस पे निवास नहीं कर पाएगा, अगर अधिक गर्म हो जाती है तो भी मानव के रहने के अनुकूल नहीं होगी ये, यानी इसमें बैलेंस बना देता है। फिर है तापमान, पृथ्वी पे जो तापमान है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ेंगे इसमें, वायुदाब और पवने हैं। नेक्स्ट वायुदाब और पवने, कि वायुदाब उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब, उसके अलावा वायुदाब ये जो पेटियां हैं उसका अध्ययन करेंगे, और जो पवने हैं जो लोकल विंड होती है, जैसे अभी जून का महीना है तो राजस्थान पक्ष खासकर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं, ये स्थानीय पवने हैं, एक लोकल पवन है। वायुदाब में जैसे अगर पूछा जाए कि हवा या पवन है वो किस तरह से चलती है, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलती है। फिर है जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम है ये भी एक तरह की तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं, इनकी खोज हुई थी दूसरे विश्व युद्ध में, जब अमेरिकी बम वर्षक विमान है जापान पे बम गिराने जा रहे थे, तब जो पायलट है उसे एहसास हुआ यहाँ पर एक पवनों का, तो इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया। फिर नेक्स्ट है वायु राशियां और वाताग्रह, फिर है चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी कुछ समय पहले चक्रवात आया था भारत में जिसका ताऊते नाम था, तो चक्रवात कैसे बनते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। फिर अंतिम है इसमें जलवायु प्रकार, ओपेन का जलवायु वर्गीकरण, यानी जो विश्व है विश्व कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और उसमें कोपेन के द्वारा जो जलवायु से संबंधित वर्गीकरण दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। फिर है इसमें फोर्थ यूनिट, ये पांचवी यूनिट है, अंतिम यूनिट है। फिर अंतिम यूनिट है फिफ्थ यूनिट में है, फिफ्थ यूनिट जो है हमारे महासागरों से संबंधित है, यानी पहली यूनिट में हमने जो स्थल का अध्ययन किया, उसके बाद वायुमंडल का अध्ययन किया, और जो अंतिम जो यूनिट है ये पांचवी यूनिट, इसमें हम महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महासागर नितल का विन्यास, यानी महासागर का जो तल है जो अंदर से किस तरह से है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है महासागरीय जल में तापमान एवं लवणता का वितरण, कि जो महासागरीय जल है वो किस तरह से गर्म होता है और उसमें जो लवणता है वो किस तरह से कितनी पाई जाती है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, महासागरीय जो धाराएं हैं ठंडी गर्म जल धाराएं, ठंडी और गर्म जल धाराएं, और उसके बाद ज्वार भाटा। ज्वार भाटा एक समुद्री घटना है, समुद्र के किनारे पर पूर्णिमा और अमावस्या को इस तरह के जो ज्वार है वो आते हैं। फिर है महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप का यह अर्थ है कि नदियां जो पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ कई तरह के अवसाद लाती है, और वो अवसादों को वो महासागरों में निक्षेपित कर देती है। तो उसके बाद महासागर में जो अलग अलग क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं होती है जिससे जो अवसाद है उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। फिर अंत में है प्रवाल भित्तियां एवं प्रवाल वलय, प्रवाल भित्तियां होती है समुद्री जीव है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो सिद्धांत है वो डार्विन मरे और डेली मोदे के जो सिद्धांत है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये तो था फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का सिलेबस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, पढ़ने में बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग है और लेंथी भी है। उसके बाद हम अब देखेंगे सेकेंड पेपर, देखो सेकेंड पेपर जो है इसका वो संसाधन से संबंधित है, काफ़ी आसान है ये, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल है ये।
सेकेंड पेपर इसमें काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें पर्यावरण किसे कहते हैं, जिस जलवायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके अलावा वनों से हमें क्या लाभ होते हैं, किन क्षेत्रों में किस तरह के वन पाए जाते हैं, खनिज, इनसे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड पेपर है वो काफ़ी आसान है, और जबकि जो फर्स्ट जो पेपर है ये एक समझने वाला विषय है फर्स्ट पेपर। तो सेकेंड पेपर में फर्स्ट यूनिट में संसाधन तथा पर्यावरण का अर्थ प्रकृति और उनके घटक, संसाधन तथा पर्यावरण के मध्य अंतर समानता, संसाधनों का वर्गीकरण इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं संसाधनों के विषय में। जैविक संसाधन जैसे वन, वन्य जीव, पशुचारण, मत्स्य, कृषिगत फसलें, और अजैविक संसाधन भूमि, जल और खनिज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट में है खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण एवं उपयोग तथा उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्य के प्रकार, वितरण, उनका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व है, ये पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में है प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण, यानी विश्व में जो सोयल है, मृदा है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, भारत में जो मिट्टी है उसे कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं और कौन सी अनुपजाऊ होती हैं, मृदा अपरदन की समस्याएं और मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी के जो कटाव है उसके क्या क्या कारण हैं और किस तरह से हम मिट्टी का जो कटाव है उसे रोक सकते हैं, जल का वितरण एवं उपयोग, जल दोहन आवश्यकता, जल के स्वरूप, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, उपयोगिता, प्रत्यक्ष उपयोग के लिए, वर्षा जल का संचय, आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। अब इसमें जल संरक्षण का भी दिया है। अब जल संरक्षण में राजस्थान में कुछ प्राचीन पद्धतियां हैं वो भी अपनाई जाती हैं, उसके विषय में हम भी पढ़ेंगे। चौथी यूनिट है इसमें सेकेंड पेपर में पर्यावरण का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं मानवीय, मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, जनसंख्या के आकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं तकनीकी स्तर के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण है, जल, वायु, ध्वनि, मृदा तथा ये जो रेडियम सक्रिय है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे, इनके कारण, प्रभाव और उपाय है वो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर अंतिम यूनिट है पांचवी यूनिट में पर्यावरणीय प्रबंधन पढ़ेंगे, इसमें वन, मृदा और वन्य जीव, उसकी जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा, समस्याएं एवं उनका नियोजन, विनाश, भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ भूमंडलीय उष्मीकरण दे दिया है, यानी इसका अर्थ ग्लोबल वार्मिंग होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही हमें इनके नाम पता रहने चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकेंड पेपर थे जिनका सिलेबस मैंने बताया आपको। जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है वो लेंथी भी है और समझने वाला है, सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है वो आसान है। इसके अलावा थर्ड पेपर की बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल भी इसमें आसान है, मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा जो पर्यावरणीय भाग है, जो सेकेंड पेपर है, जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जो एनवायरनमेंट है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, यानी एनवायरनमेंट में बहुत से बच्चों की बैक है, लग जाती है, वो पास नहीं हो पाते हैं। जो सेकेंड पेपर है वो एनवायरनमेंट का जो पेपर है कंपलसरी पेपर, उसमें पास होने के लिए भी बहुत
उपयोगी है। तो आज केवल सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम सबसे पहले सेकेंड पेपर का वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पेपर के जो वीडियो हैं वो हम पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस दौरान बनाए गए थे, उसमें भी आप देख सकते हो। हाल सेकेंड पेपर कंप्लीट कराने के बाद वापस से फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाएगा, वापस से ये सारी जो सिलेबस सारा सिलेबस है ये आपको वापस से नए सिरे से पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।